हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं FM व्हाट्सएप के बारे में। जी हां दोस्तों, मैंने इससे पहले भी FM व्हाट्सएप और काफ़ी वीडियो बनाई है जो लोगों को काफ़ी पसंद आई। तो दोस्तों, अभी FM व्हाट्सएप में कुछ अपडेट आए हैं जिसके बाद हमें उसमें कोई नए नए फीचर देखने को मिले हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आपको उन फीचर के बारे में पता लग सके कि वो क्या क्या नए नए फीचर हैं और उनको आपको कैसे यूज करना है जिससे आप उनका पूरा इन्जॉय ले सको। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि मैं आपसे किन किन फीचर के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, FM व्हाट्सएप के अंदर आपको काफ़ी ऐसे फीचर देखने को मिल जाएंगे जो आपको आपके नॉर्मल व्हाट्सएप पर देखने को नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप होता है उसमें दोस्तों बिल्कुल भी ऐसे फीचर नहीं होते जो हमें FM व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ FM व्हाट्सएप में अपडेट आए हैं जिसके बाद हमारे पास दोस्तों नए नए फीचर आने लगे हैं FM व्हाट्सएप में। तो दोस्तों, वो क्या क्या नए नए फीचर हैं मैं आपको उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आए और आपको लाइव भी दिखाऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन में उन फीचर को यूज कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले फीचर की बात करें तो हमारे फ़ोन में दोस्तों एक नया फीचर आया है अपडेट के बाद जिसमें आपको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों एयरप्लेन मोड। इससे दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहां आप चाहते हो कि आपका डाटा ऑन रहे लेकिन आपके व्हाट्सएप के मैसेज आपके फ़ोन पर उनकी नोटिफिकेशन ना आए, तो दोस्तों अगर आप इस एयरप्लेन मोड को ऑन कर दोगे तो आपके व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज नहीं आएगा जब तक आप इसे ऑफ नहीं कर देते। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका डाटा ऑन रहेगा लेकिन आपके व्हाट्सएप के मैसेज आपके फ़ोन पर शो नहीं होंगे, ना ही आपके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आएगी। तो दोस्तों, जो लोग आपके मैसेज भेजते हैं उनको भी यही लगेगा कि अभी आपका डाटा ऑफ है इसलिए आपके पास मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस फीचर का अच्छे से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फीचर है ये। आपके पास मैसेज तभी आएंगे जब आप इस फीचर को ऑफ कर दोगे। दोस्तों, दूसरे फीचर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा इसके बगल में जो मून बना हुआ है यानी कि ये चंदा। दोस्तों, इससे क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपकी जो स्किन है ये वाइट आ रही है, ये डार्क हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके अपने स्किन को डार्क कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनको डार्क स्किन पसंद होती है। दोस्तों, वो अगर आप चाहते हो कि आपके व्हाट्सएप की स्किन डार्क हो जाए तो आप इस फीचर को ऑन करके अपने व्हाट्सएप की स्किन को डार्क कर सकते हो और बाद में अगर चाहते हो तो इसे लाइट भी कर सकते हो यानी कि वाइट। और दोस्तों, तीसरे फीचर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि हमारे फ़ोन में दोस्तों देखिए ये चार ऑप्शन आ रहे हैं, चैट का अलग आ रहा है, ग्रुप का अलग आ रहा है, स्टेटस का अलग आ रहा है और कॉल का अलग आ रहा है। ये दोस्तों हमारे जो व्हाट्सएप होता है नॉर्मल उसके अंदर ग्रुप का और चैट का एक ही ऑप्शन होता है जिसके अंदर दोस्तों आपके ग्रुप भी होते हैं और चैट जितने आप बात करते हो वो सब एक ही में होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके फ़ोन जितने नंबर सेव हैं या फिर जिनसे आप बात करते हो वो चैट के अंदर शो होंगे और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो ग्रुप वाले ऑप्शन में शो होंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप अपने ग्रुप में चेक करना चाहते हो कि आपके कितने ग्रुप हैं और किस ग्रुप में क्या मैसेज आया है तो आप ग्रुप में आकर डायरेक्ट चेक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है उसमें क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप में दोस्तों सारे ग्रुप चैट या फिर जितने भी मैसेज होते हैं वो सब एक ही लिस्ट में आते हैं जिससे हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ता है कि हमारा ग्रुप किस जगह पर है या फिर अभी हम जिसको मैसेज भेजना चाहते हैं वो किस जगह पर है। तो आप इस तरीके से अपने फ़ोन में ग्रुप वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो अलग से। तो दोस्तों, तीन चार ऑप्शन हैं जो हमें अपडेट के बाद मिले हैं, तीन चार फीचर है दोस्तों हमें अपडेट के बाद मिले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने FM व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि ये FM व्हाट्सएप दो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका पूरा एंजॉय ले सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।